हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है तीज के दिन का, और आज तीज है तो पूरा दिन भूखे प्यासे ही रहना है। और आज के दिन थोड़ी सी मैंने छूट ली है, क्योंकि हर समय मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, पर सुबह मैंने पानी पिया था, हम कथा सुन के आ गए फिर, और किसी वजह से आज मैं पूजा नहीं कर पाई। सो घर पर ही है पूरा दिन, तो आज चिकू ने सोचा क्यों ना हम कहीं चलते हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम आपको भी ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर और बहुत मज़े करेंगे। ऑल सेट टू गो, सारे कैमराज ले लिए हैं, ड्रोन भी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा। थोड़ी नेचुरल प्लेस पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कौन कौन जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं हिमायरा, हिमायरा के मम्मी पापा और हिमायरा के चाचा चाची, पाँच जने जा रहे हैं, मज़ा आएगा काफ़ी। बुला देते हैं हिमायरा को। हिमायरा का आना हो गया कैंसिल, क्योंकि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ थोड़ा चलना पड़ेगा, तो बच्चे अवॉइड ही रहे। सही है, आ गए। बस हिमायरा नहीं आ रही है, वहाँ पे थोड़ा चढ़ना पड़ेगा ना, और ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। वापस कार मस्त, नीट एंड क्लीन एकदम, चकाचक है। ऐसी कार होती है, बैठने में मज़ा आता है। हाँ, अंदर मस्ती से बैठ के पबजी खेल रहे थे। डेस्टिनेशन पे आ गए, पर जबरदस्त की डर लगी है, क्योंकि पूरी पहाड़ चढ़ के आए हम। पहले वहां से आते थे चलते चलते। तो अभी उड़ाएंगे हम ड्रोन, दर्शन हो गए हैं, यहाँ पर ड्रोन उड़ेगा। ड्रोन शूट लेने के लिए रुके, पर ड्रोन शूट तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या पता क्या हो गया, एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो वो तो हम शायद ही दिखा पाएंगे आपको ड्रोन शॉट्स। चिकू का मूड पूरा ऑफ हो गया है, क्योंकि स्पेशल ड्रोन लेके आए थे सारे शूट लेने के लिए, जगह ही ड्रोन शूट करने की है। अपन तो इधर गए नहीं, बाकी ऊपर से तो और जोरदार व्यू है। ड्रोन तो उड़ा नहीं बिल्कुल, क्योंकि एप्लीकेशन चल ही नहीं रही थी, इसलिए ड्रोन को कर दिया है कैंसिल। अब जा रहे हैं हम नीचे, थोड़ा है रास्ता रिस्की। चिकू गोप्रो चालू कर दो, रास्ता दिखेगा। आ चुके हैं, और अच्छा रहा ट्रिप, बट जो हमको ड्रोन शॉट लेना था वो ले नहीं पाए। अभी शॉप पर कस्टमर है, तो वापस शॉप जाऊंगी। 7 बज गई हैं, लेट काफ़ी हो गई, ऊपर कस्टमर को पहले से बोल रखा था, इसलिए मना नहीं बोल सकती हूँ। चाबी यहाँ पास में, एक बार घर पे जाती हूँ। भिगा दिया भाई, बोलना नहीं, सिंह मंगवा दिया, बोलना नहीं मंगवाई, मैं ले आती हूँ। तीज है तो रात के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि 12 बजे हम सब जने हमारा उपवास खोलेंगे। पानी नहीं पिया है आज पूरे दिन से, पर पानी पिया है मैंने, बट इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, क्योंकि है ना ड्रोन हम उड़ा ही नहीं पाए। सबके फ़ोन में हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके देखा, बट हुआ ही नहीं। पहली बार हुआ है ऐसा, कभी होता नहीं है ऐसा। और वहाँ का अगर आपको व्यू मिलता ना तो मज़ा आ जाता। पर नेक्स्ट एक बार और एक ट्रिप और करेंगे वहाँ की।
तो चिकू को तो थोड़ा बहुत घर पे फ्रेशन अप होते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वहाँ जाके हैं, एक तो क्या चढ़ाई ऐसी थी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे बिल्कुल, पर पहुँचे अभी जगूगा को लेके जाती। कस्टमर को हमने फ्री कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर पर, काफ़ी टाइम हो गया है, 7 बजे आई थी, अभी 8 बज गई है, 7 बजे मैं शॉप पे आई थी, अभी 8 बज गई, 1 घंटा हो गया, अब घर जाऊँगी, चिकू के लिए कुछ बनाऊँगी क्योंकि मेरे तो कुछ खाना नहीं है और रात के फिर फलाहार की तैयारी करते हैं। साबूदाना आंटी जी ने भिगा दिया था तो मैं घर पे ले आई हूँ, ये यहाँ पर भीग रहा है साबूदाना, और सिंग भी आ गई है, सिंग के लिए तो हमारा एकदम वो हो गई थी, इसको आज खानी थी, मेरे को पता नहीं चला उसको खानी है ये, और वो नहीं थी सिंग का पैकेट दे नहीं दी थी, तो अभी सिंग भी आ गई है, तो शेगार तो 12 बजे की बात करना है, सो अभी सिर्फ साबुदाने भिगाए हैं, सिंग वगैरह सब लास्ट में लेके करेंगे, थोड़ा उस वजह से टाइम पास भी होगा बनाने बनाने में एंड टाइम पर, अभी तो आज पूरा दिन अच्छे से निकल गया, पता ही नहीं चला कि कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, 9 तो बजने आ गई हैं, अभी जस्ट मम्मी से और इन लोग से बात हुई है, मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज व्रत था तो मम्मी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि मम्मी होते तो एक केयरिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है ना, बड़े होते तो ये खा ले ये थोड़ा कर ले कोई बात नहीं, तबीयत सही नहीं हो रहेगी, फिर मम्मी की बड़ी याद आई। अभी मैं पानी पीने की सोच रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, एक बार पानी पिया था, अभी एक बार और पी लेती हूँ, लाइव वाटर पी लेती हूँ। पानी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अब रेस्ट करती हूँ, पूरा दिन बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला है, पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ पूजा जब व्रत होता है ना तब ज़्यादा थक जाते हैं और इधर उधर का काम ज़्यादा रहता है। 12 बज चुकी हैं और अब हमारा शेगार भी बन गया है, तो यहाँ पर शेगार को पैक करके रखा है, पूरा दिन व्रत करके अब सामने बैठेंगे। तीज ख़त्म हो चुकी है और व्रत भी हमारा ख़त्म हो गया है, सब जनों ने पूरे दिन का उपवास खोल दिया है, जैसे कि आपने देखा बहुत सारा शगर बनाया था, पेट सबने भर लिया है, पेट भर गया है, अब नींद भी आ जाएगी क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आती है, तो अब सो जाएंगे। यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, पता नहीं कब आएगा, बाय।